हेलो मैम। हेलो हाय। हेलो, माय नेम इज गौरव ठाकरे। ओके गौरव, टेल मी, आपका क्या क्वेश्चन है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम अगर गांव में रहते हैं कौन से तो गांव हम में रहते हो? जलगांव जिले के लासूर गांव में। ओके, सो वहां पर कोई थिएटर ग्रुप है आपके आसपास? कोई ऐसा थिएटर ग्रुप हो? नहीं कोई थिएटर ग्रुप नहीं? एक बार पता करके देखना, क्योंकि आजकल एक्टिंग तो सब जगह फैल ही रही है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है, लोग अपने खोल रहे हैं, इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो आपको एक्टिंग फील्ड में आना है, तो अभी आप स्टडी वगैरह कर ही रहे होगे, पढ़ रहे हो? हाँ। ओके, तो आप अभी से अपने आप को, जैसे कि स्कूल में कोई फंक्शंस होता है उसमें आप पार्टिसिपेट करो। ओके, अगर आपको टीचर नहीं लेती है फिर भी आप सामने से बोलो कि मैम मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो उससे ये होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंट है वो बिल्ड होगा। दूसरी चीज ये कि सुबह से लेकर शाम तक के क्या करते हो आप, अपने आप को एनालाइज करो, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि पहले आपको सेल्फ एनालाइजेशन करना है कि आप हो कैसे। ठीक है, तीसरी चीज आपको ये करना है कि जितनी भी मूवी आती है अभी आपके पास टाइम है आप देखिए, मतलब जो नेचुरल एक्टिंग करते हैं उनकी फिल्में देखिए। देखने के बाद आप सीखिए, एक्टिंग की बारीकियां सीखिए। यूट्यूब पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, डिक्शन सिखा। आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके डिक्शन में प्रॉब्लम, क्योंकि जो वर्ड्स है ना वो क्लियर नहीं आते, इट मीन्स डिक्शन प्रॉब्लम है। तो आप शब्दों को सही करिए, क्योंकि आप हिंदी फिल्मों या सीरियल में, आर्ट फिल्म में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका डिक्शन सही होना मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, ओके। सो आज से आपको अपने डिक्शन पर काम करना है, और बाकी आपको बहुत सारी मेरी वीडियोस देखिए, और भी लोग वीडियोस बनाते हैं उनकी वीडियोस को फॉलो करिए, ऑनलाइन सीखिए। फिलहाल आपका यही काम, बहुत सारे काम दूंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। हेलो मैम। हाय, हाउ आर यू? फाइन मैम। ओके, योर नेम? मैम इशिका। इशिका, ओके इशिका, आप कहाँ पे रहते हो? हाय, हाउ आर यू? फाइन मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड। सो टेल मी, व्हाट्स योर क्वेश्चन? नो, डोंट से थैंक यू, बिकॉज आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ टाइम का, यू नो, बहुत सारे मैसेज आते हैं और एक एक का रिप्लाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और मुझे ये चीज समझ में आती है कि आप लोग एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हैं और आपके दिलों में बहुत सारे क्वेश्चन है दिल में, तो वो मैंने अगर एक काम लिया है तो ऑफकोर्स मैं पूरा करूंगी, तो किसी ना किसी तरीके से मैं मैनेज कर रही हूँ। तो मैंने आज सोचा कि चलो ठीक है, आज ये टाइम निकाल के कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो टेल मी, आपका क्वेश्चन क्या है? वेलकम मैम। बस ये है कि हमने आपको वीडियो भेजी थी जो आपने कहा था श्वेता वाली। हाँ जी मैम। ओके चेक कर लीजिएगा। ओके, आपने कभी भेजी है ये वीडियो मुझे? मैम जिस दिन भेजी थी, मैम उसी हफ्ते में भेजी थी जिस हफ्ते में आपने गई थी। ओके ओके, तो ठीक है, मैं चेक कर लूंगी। अच्छा देखिए, सिर्फ एक लड़के का उसमें सिलेक्शन हुआ था, बहुत सारे मुझे ऑडिशंस तो आए थे लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि किसी ने उसको, उस कैरेक्टर को नहीं समझा, किसी ने एक्टिंग को नहीं पकड़ा, किसी का डिक्शन सही नहीं है, किसी का बैकग्राउंड सही नहीं है। बिकॉज उस वीडियो को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाएगी कि अगर मैं कोई वीडियो चुन रही हूँ तो उसकी, मैं नहीं कहती हूँ कि 100% वो परफेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 75% वो परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला, अगर मैं किसी की वीडियो उठा करके डालूंगी मुझे अच्छा लगेगा तो मुझे भी लोग जज करेंगे कि मैं कैसी हूँ सिखाने वाली। ठीक है, अगर मैं लोगों का जजमेंट भी नहीं देखती हूँ कि लोग मुझे जज करें क्या सोचेंगे, लेकिन मेरे अंदर उतनी समझ है कि हाँ लोग कैसा कर रहे हैं कैसा नहीं कर रहे, तो आप उस चीज को बुरा मत लेना कि मैंने आपको, आपका, मैंने वीडियोस देखे होंगे, भले मुझे इस वक्त नहीं याद है लेकिन मैंने 2 दिन लिए थे सबके वीडियोस को देखने में, और मुझे सिर्फ एक बंदे का ऑडिशन सही लगा था, वो भी 75% ठीक लगा था, जिसमें से बाकी एक्टिंग के बेसिस पे मैंने उसका सिलेक्शन किया था। ओके, बाकी बैकग्राउंड जो उसने किया था वो सारी चीजें प्रॉब्लम थी। तो आपको एक्टिंग फील्ड में आना चाहते हो तो प्लीज हर चीज थोड़ी थोड़ी सीखो, क्योंकि आपको ये पता होगा कि मैं कैसी एक्टिंग कर रही हूँ। ओके
तो जो भी बारीकियां हैं प्लीज आप सीखिए, अगर आपका आपको एक्टिंग करियर में ही आना है तो, क्योंकि आगे फ्यूचर में ये नहीं होना चाहिए कि इस बंदी को कुछ नहीं होता है, आता है तो आपका रिजेक्शन होगा और कोई नहीं चाहता है कि आपको आपको रिजेक्शन मिले, अंडरस्टैंड? सो प्लीज आप अपने ऊपर काम करिए और फ्यूचर में आप एक्टिंग फील्ड में आइए। मैम जैसे हमने किसी और को भी भेजा था तो ओके हमने कहा था कि फील नहीं आ रही, मैम फील कैसे ना है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि फील कैसे फील ओके जब भी आपको श्वेता की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, श्वेता का जो कैरेक्टर है वो एक लड़की है जिससे एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत, ठीक है, बहुत प्यार करती थी उस लड़के ने, वो लड़का भी उससे प्यार करता था लेकिन लड़के ने उसको छोड़ा बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उसकी शादी किसी गरीब लड़की से हो। अब वहां पर पार्टी में गई है, वो ये सोच के गई थी कि मैं शादी तोड़ दूं, ठीक है, बट उसने देखा कि सारी चीजें हो गई है, यहाँ पर दुल्हन बगल में बैठती है तो वो बोलती है कि शादी मुबारक हो, ये एक टोन में आप बोलोगे, ठीक है, ये आप टोन दे रहे हो शादी मुबारक हो, पर आपने उस लड़की को बोला कि मैं आपके लिए तोहफा नहीं लाई क्योंकि मैंने आपको अपना सबसे कीमती तोहफा दे दिया है, अगर आपके साथ ये चीजें होती हैं तो आप किस तरीके का फील करोगे, आपको उस जगह अपने आप को रखना होगा, जब तक कि आप अपने आप को नहीं रखोगे तब तक कि आप ऊपर के मन से करोगे, और नेचुरल एक्टिंग ही वही कहलाती है जब आप उस कैरेक्टर को अपने में खोजते हो। अगर आप सोचो फ्यूचर में आपके साथ ऐसी चीज होती है तो आप कैसा करोगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिन्होंने इतना स्ट्रगल किया और आज वो बहुत बड़े एक्टर सुपरस्टार बन गए, वो इस चीज को फॉलो करते हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। ओके हमने रखा तो हमें हाँ जी जैसे कुछ इमोशनल टाइप और थोड़ा नफरत वाला जो हो जाता है वो वाला करेक्टर, नॉट अ नफरत अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप नफरत कैसे कर सकते हैं, कर सकते हो आप? नॉट पॉसिबल। लोग कहते हैं कि अगर उस लड़के ने मुझे धोखा दे दिया तो मैं उससे नफरत करने लगूंगी, मैं उसको बर्बाद कर दूंगी, इट मीन्स आपको कभी उससे प्यार था ही नहीं, समझ रहे हो, था ही नहीं कभी प्यार, तो यहाँ पर आप टूटे हुए हो बिकॉज आप जिसे प्यार करते थे उसकी किसी और से शादी हो गई है, दूसरी बात आप शादी में गए हो और आपको पता है कुछ हो नहीं सकता है, तो दुख हुआ आपने थोड़े से टोन मारे और आप चले आए, फिनिश, बट आपका ये मोटिव नहीं है कि आप उस लड़की की शादी उससे हो गई तो आपको उसको तुड़वाना है, समझ रहे हो, तो ये चीज गलत हो जाएगी और एक गलत मैसेज भी हो जाएगा, समझ रहे हो, तो ये सारी चीजें नहीं करनी। ओके थैंक यू मैम, और स्किल प्रोवाइड कर दीजिएगा, ऑफ कोर्स करूंगी करूंगी, जैसे ही लिखूंगी वैसे ही करूंगी, ओके यस मैम, और चेक भी कर दीजिएगा मैम, हमारी आईडी है इंस्टाग्राम हम इशी अग्रवाल ओके 16 ओके 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 श्योर यस मैम, प्लीज चेक कर दीजिएगा इशी अग्रवाल, हां जरूर करूंगी जरूर करूंगी जरूर करूंगी मैम, आपको रोज डेली मैसेज करते हैं फिर एक दिन यही रीजन है जिसकी वजह से देखिए लाइव आई हूँ और आपसे बात कर रही हूँ, यही एक बड़ा रीजन है बिकॉज आप सोचते हो कि सिर्फ आपका मैसेज आता है लेकिन इतने मैसेज आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, कि कभी कभी मुझे मैं कहती हूँ यार कैसे रिप्लाई करूँ, मैं एक ही बंदी हूँ, यस मैम मेरी चीटिंग हो जाता है थोड़ा, हाँ जी बस यही होता है, आपकी प्रॉब्लम समझ रहे मैम, थैंक यू समझने के लिए, थैंक यू सो मच आपके क्वेश्चन के लिए, थैंक यू सो मच, हमारी प्रॉब्लम भी समझी, थैंक यू, मैं सबकी प्रॉब्लम समझती हूँ, मुझे समझ में आता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि एज अ गर्ल मुझे चीजें समझ में आती हैं और एक कास्टिंग डायरेक्टर होने के नाते भी मैंने कुछ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, क्योंकि देखो लास्ट में आप यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जाओगे इस दुनिया से, ठीक है, आपको जाना ऐसे ही है, तो मैंने अपनी लाइफ में ये चीज सोच करके रखी है कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊंगी कि मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखेंगे कि हाँ कोई जोया थी, अब अगर मैं आपको मैं सिर्फ पैसों के पीछे भागूंगी कि बस मुझे पैसा चाहिए तो मेरे मरने के बाद मेरा पैसा दूसरे यूज करेंगे, मैं खुद भी नहीं यूज कर पाऊंगी, मैं देख भी नहीं पाऊंगी, तो मैं सिर्फ ये सोच रख के चलती हूँ और इस वजह से लोगों की हेल्प करती हूँ, अदरवाइज मेरा और कोई इंटेंशन। मुंबई अभी तो इस साल मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है, अगले साल देखते हैं, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त हैं जो कि इस वक्त मुंबई में और वो अपने घर वापस जा रहे हैं क्योंकि वहाँ कुछ हो नहीं रहा है, रीजन ये है, तो इससे अच्छा है कि आप
किसी और शहर में पढ़े हो, इससे अच्छा आप अपने फैमिली के साथ अपने शहर में पढ़े रहो, वो बेटर है। ये तो मैं हाँ हाँ तो मैंने इस वक्त जी हाँ, तो या मेरी फैमिली है या मैं अपने कंफर्टेबल हूँ, कुछ दुख सुख है तो मैं अपनी फैमिली के साथ बता सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ। अगर मैं वहां पड़ी रहूंगी तो बहुत सारी मुश्किलें होंगी जो मैं नहीं शेयर कर पाऊँ। तो जब भी जाऊंगी मैं इन्फॉर्म करूंगी। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।